Guys, we did in the last session all the basic of underwriting, that is what is underwriting, what is commission. Then we did what is types of sub-underwriting, manager, broker, types of underwriters, that is sole underwriter or joint underwriters, type of underwriting contract, that can be partial contract or complete underwriting, that can be conditional or firm underwriting. Also, we did the basic format, how we will solve the sums, and also we did the journal entries. So, we have done all the basic. We also did what is marked application, unmarked application. Now, we will combine it slowly. आपके स्टेप्स होते जाएंगे, मतलब सम्स होते जाएंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, जहाँ पे सिर्फ एक अंडरराइटर है और उसने कंप्लीट अंडरराइट किया हुआ है. अगर जॉइंट अंडरराइटर्स है तो कैसे होगा, अगर पार्शियल अंडरराइटिंग है तो कैसे होगा, फिर अगर फर्म अंडरराइटिंग है तो कैसे होगा, विद द जर्नल एंट्रीज एंड कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा. सो विल डू ऑल द वेराइटी ऑफ द सम्स. देर आर एन नंबर ऑफ सम्स यू कैन फाइंड आउट फॉर द अंडरराइटिंग. तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द वेराइटी. हर एक कंसेप्ट का एक 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 वेराइटी कवर कर लेंगे. सो विल अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज राज लिमिटेड इश्यूड 1,12,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन फेस वैल्यू. द होल इशू वॉज अंडर रिटन बाय मिसेस पी क्यू एंड कंपनी फॉर मैक्सिमम कमीशन परमिसिबल बाय लॉ. एप्लीकेशन फॉर 90,000 डिबेंचर्स रिसीव्ड इन ऑल. Determine the net liability of Messrs. PQ and Company, commission payable as per law, and show the journal entries. आई देखो इसमें कैसे है, एक कंपनी है जिसने 12% डिबेंचर्स इशू किए, दैट इज 1,00,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, एंड डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट. सो इट इज इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%. मतलब 10 रुपये का डिबेंचर अगर 10% डिस्काउंट पर इशू किया है, सो इशू प्राइज इज ₹9. फिर वो पूरा इशू सिर्फ एक ही पर्सन ने अंडर राइट किया हुआ, दैट इज Messrs. PQ and company, तो उसका underwriting का हम लोग देख देंगे. And in this question, you have to find all the three requirements. Three requirements is, first you need to find out the net liability of the underwriters. मतलब उनको कितने debentures लेने पड़ेंगे या शायद नहीं भी लेने पड़े, so that will determine. Second, you need to find out commission as payable by the law. अभी उसके लिए like we discussed in the previous session, कि जहाँ पे commission rates क्या होते हैं, तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जैसे मैंने वहाँ पे भी बोला था आपको कि कमीशन रेट प्रिस्क्राइब नहीं करते, बहुत बार आपको निकालने को बोलते हैं. सो यहाँ पे यू नीड टू नो द व्हाट इज़ द कमीशन रेट्स. एंड थर्ड, यू नीड द पास द जर्नल एंट्रीज. अभी देखो जर्नल एंट्रीज में कैसे होता है, समटाइम दे आस्क यू टू पास जर्नल एंट्री ओनली रिलेटेड टू अंडरराइटर्स. सो सिर्फ अंडरराइटर्स का जर्नल एंट्री जो हम लोग ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था वही आएगा. बट यहाँ पे आपको बोला है शो जर्नल एंट्रीज, मतलब सिर्फ इतना है कि अंडरराइटर्स का करना है. आपको पूरा जर्नल एंट्री, मतलब जो पब्लिक ने डिबेंचर्स अप्लाई किए उसका भी जर्नल एंट्री करना है. सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि आपको जर्नल एंट्रीज कौन सा पूछा है. इज इट ओनली रिलेटेड टू अंडरराइटर्स, वो भी हम लोग आगे के सम्स में करेंगे. बट यहाँ पे कैसे बोला है शो जर्नल एंट्री, सो यू हैव टू डू एंटायर जर्नल एंट्रीज. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विल डू द सोल्यूशन. जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे करते जाएंगे. सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1. First, we need to find out the net liability. So, for that, we prepare the statement. So, we'll say statement showing underwriter's liability, or you can say showing liability of underwriters. So, ek statement banayenge that we did gross liability, fir mark, unmark. वो सब करके आप स्टेटमेंट बनाओगे. एंड वो स्टेटमेंट में, नाउ दैट स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. वो भी हम लोग ने डिस्कस किया था, हम लोग वो रुपीस में नहीं बनाते, वी प्रिपेयर इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स. सो अपनी कॉलम्स यहाँ पे कैसे बनेगी, एक बनेगा पर्टिकुलर्स. गाइस वी आर डूइंग द सेम फॉर्मेट विच वी डिस्कस. तो एक बनेगा आपका पर्टिकुलर्स, एंड सेकेंड विल प्रिपेयर द बेसिस का कॉलम. अभी देखो बेसिस जब भी जरूरत पड़ता है, वेन दे आर मोर देन वन अंडरराइटर्स फॉर पर्टिकुलर इशू. यहाँ पर सिर्फ एक अंडरराइटर है, तो वो जो बेसिस, मतलब कौन से बेसिस पे आप अलोकेट करने वाले हो, क्या रेशियो होने वाला है, वो सबकी ज़रूरत नहीं है. सो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग बेसिस का कॉलम. देन यू विल प्रिपेयर अंडरराइटर्स की कॉलम, कितने अंडरराइटर्स हैं. तो यहाँ पर सिर्फ एक अंडरराइटर है, दैट इज़ योर मेसर्स पी एंड क्यू कंपनी. सो एक पर्टिकुलर्स बन जाएगा और दूसरा बनेगा मेसर्स पी क्यू एंड कंपनी. सो दैट इज़ योर अंडरराइटर का कॉलम. इसके ऊपर वी ऑलवेज मेंशन दिस इज इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स.
जैसे हम लोग अकाउंट्स में कुछ भी चीज़ें करते हैं तो हम लोग लिखते हैं भाई रुपीज़ में है ये चीज़, सो यहाँ पे दिस इज नॉट इन रुपीज, दिस इज इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स. सो विल जस्ट प्रिपेयर अ छोटू सा फॉर्मेट, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं व्हाट इज द ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स. तो फर्स्ट आएगा ग्रॉस लाइबिलिटी. गाइस अगेन आई विल रिपीट, ग्रॉस लाइबिलिटी इज द टोटल अंडरराइटिंग विच इज डन बाय द अंडरराइटर्स. ओके, तो टोटल अंडरराइटिंग यहाँ पे कैसे था कि जो इशू किया था द होल इशू वॉज अंडर रिटन बाय पी एंड क्यू, मतलब जितना इशू है वो पूरा अंडरराइट हो गया. सो ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर वुड बी 1 lakh डिबेंचर्स, क्योंकि 1 lakh डिबेंचर्स का इशू हुआ था और 1 lakh का पूरा अंडरराइट हुआ है. नेक्स्ट हम लोग उसमें से क्या माइनस करते हैं कि कितने मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं या कितने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं. अभी इसके आगे भी आई डिस्कस व्हेन इट इज ओनली 1 underwriter, दैट इज सोल अंडरराइटर, एंड इट इज कंप्लीट अंडरराइटिंग, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर द एप्लीकेशंस आर मार्क्ड और अनमार्क्ड. अभी ये क्वेश्चन में हम लोग को मार्क वगैरह तो दिया नहीं है, तो सीधा गाइस बेसिक कैलकुलेशन है. 1 lakh डिबेंचर्स का अंडरराइट किया हुआ है, उसमें से आपको एप्लीकेशंस कितने आए, द एप्लीकेशन फॉर 90,000 डिबेंचर्स आर रिसीव, सो लेस एप्लीकेशंस रिसीव इज 90,000. सो बचा कितना, 10,000. 10,000 डिबेंचर्स वुड बी टेकन by the underwriter, that is Messrs. PQ and Company. So this becomes their net liability. So this is the net liability of the underwriter. Guys, this is very simple. सीधा logic है. अगर मैं underwriter हूँ, मैंने 1 lakh debentures का guarantee दिया है, company is coming with the issue of 1 lakh debentures, public has subscribed for 90,000 debentures, बच गए 10,000, तो 10,000 मुझे लेने पड़ेंगे. So my net liability becomes 10,000 debentures. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर. यहाँ पे और कुछ आपको करना नहीं, सो दिस इज वेरी सिंपल. ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, दिस वॉज योर फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट टू फाइंड आउट द लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स. अभी इसमें जॉइंट होगा तो कैसे होगा, अगर पार्शियल अंडरराइटिंग है तो कैसे होगा, दैट विल डू. सो धीरे 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 समझते जाओ, एक साथ पूरा कन्फ्यूज मत हो जाओ कि इसमें कैसे होगा, धीरे धीरे हम लोग सारे स्टेप्स करेंगे. सेकेंड, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द कमीशन पेएबल एज पर लॉ. सो सेकेंड, अंडरराइटिंग कमीशन ओके. नाउ व्हाइल डूइंग अंडरराइटिंग कमीशन एज पर लॉ, डू रिमेंबर हम लोग ने रेट्स दिए थे कंपनीज एक्ट एंड सेबी के हिसाब से क्या रेट्स होना चाहिए. यस, कंपनीज एक्ट में रेट्स था फॉर इशू ऑफ शेयर्स इट इज 5% और रेट्स ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स विच एवर इज लोअर, एंड इन केस ऑफ डिबेंचर्स इट इज 2.5% और रेट प्रिस्क्राइब बाय AOA विच एवर इज लोअर. तो शेयर्स का 5 था, डिबेंचर्स का 2.5 था, बट एज पर द सेबी द रेट्स वर डिफरेंट. सो जब भी आपको सिर्फ लॉ बोला तो यू हैव टू गो विद द वॉट एवर इज लोअर. अभी सेबी में कैसे हो गया गाइस कि जो कंपनीज एक्ट ने रेट प्रिस्क्राइब किए उससे भी कम हो गए रेट्स, मतलब देन यू हैव टू फॉलो द सेबी का रूल्स. अगर आपको क्लियरली बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट कमीशन एज पर द कंपनीज एक्ट, देन यू अप्लाई 5% 2.5%, बट देन वेन दे से एज पर लॉ यू आर गोइंग विद द सेबी, बिकॉज सेबी और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है एज पर द कंपनीज एक्ट. कंपनीज में मैक्सिमम 5% था जबकि सेबी में मैक्सिमम 2.5% है, सो इट इज़ मोर लोअर देन द कंपनीज एक्ट, सो यू गो विद द सेबी रूल्स. अभी सेबी में कैसे था, इफ़ यू रिमेंबर थोड़ा सा याद है, उसमें दो पार्टीशन हो जाते थे, एक इक्विटी शेयर्स का कितना एंड दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का कितना. फिर उसमें भी ऐसा था कि ऑन द अमाउंट डिवॉल्विंग ऑन द अंडरराइटर्स, मतलब जितना अंडरराइटर्स लेगा वो और जितना पब्लिक लेगे वो, तो वो दो पार्ट्स थे. सो नाउ गोइंग विद द डिबेंचर्स, उसमें भी वापस ये बाइफर्केशन था, इफ द इशू अमाउंट इज मोर देन 5 lakhs एंड इफ द इशू अमाउंट इज लेस देन द 5 lakhs. सो इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इशू अमाउंट अगर मोर देन 5 lakhs है तो क्या होगा, इशू अमाउंट लेस देन 5 lakhs है तो क्या होगा. सो यहाँ पे कैसे देखो, वी आर डीलिंग विद द डिबेंचर्स, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द इशू प्राइस. सो इफ यू सी देयर वर 1 lakh डिबेंचर्स, दीज हैव द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10, बट दे आर इशूड एट 10% डिस्काउंट. व्हाट इज द इशू प्राइस, द इशू प्राइस इज 9. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इशू प्राइस
is face value rupees 10 minus 10% discount is equal to rupees 9 per debenture. Ek debenture ka issue price hai rupees 9. So 9 or aapke debenture kitne issue ho rahe hai? 1 lakh debentures. So this is the case of issue exceeding rupees 5 lakhs. Do cheeze thi, issue is more up to 5 lakhs or issue price is exceeding 5 lakhs. So this is issue exceeding 5 lakhs. So yahan pe agar aapko wapas do different situation karna padega. Amount devolving on the underwriters. So commission on first amount devolving on underwriters. So underwriters ne dekho kitne debentures liye, 10,000 debentures. Now we have already discussed ki jo bhi aapka commission hoga it is always on the issue price. Agar question mein aur kuch bola hai to theek hai, but yahan pe aur kuch nahi bola hai. So it is always given on the issue price, that is 9 per share, and on which the rate is 2%. This we have already discussed. So ye dekho kitna ho raha hai. So this is 10,000 into 9 per share and into 2%. So that is 1800. So this comes to rupees 1800. And second tha amount subscribed by public. So public ne kitne liye? 90,000 debentures into rupees 9, and on that the rate was 1%. Guys, you need to remember the rates. Jo hum log ne discuss kiya hai wo aapko yaad rakhna zaruri hai. So this would be 90,000 into 9 into 1%. So that comes to 8,100. So next we can say as total commission payable as per law is 1,800 plus 8,100. So that comes to rupees 9,900. So this was your second required part. So first ho gaya hum log ka liability kitna hoga underwriters ka. Second ho gaya what would be the commission payable to the underwriters, and what is the third part? That is your journal entry. So start preparing the journal ka format jo hum log pehle se banate aate hain. So this would be journal of, what is the company's name? Company is Raj Limited. So this is journal of Raj Limited. We always do journal entry from the viewpoint of the company, theek hai? और जर्नल का बेसिक जैसे फॉर्मेट बनाते हैं वैसे फॉर्मेट बनाओ. सो गाइज वी हैव प्रिपेयर्ड द जर्नल का फॉर्मेट नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं, स्टार्टिंग विद द जर्नल एंट्रीज. अभी देखो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कैसे होगा. अगर ये पूरे इशू के बारे में सोचे तो फर्स्ट द कंपनी हैव इशूड द डिबेंचर्स टू द पब्लिक. सो पहला क्या होगा कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया होगा, फिर जितने डिबेंचर्स का एप्लीकेशन कम आया दैट डिबेंचर्स वुड हैव बीन अप्लाई or to be taken up by the underwriters. So first you have to start with the transaction, the debentures which are applied by the public. So hum log jo basic karte the, if you remember, sabse pehle kaisa hota ki application aa raha hai, so we used to say bank account debit to application account, and fir wo applications ko hum log allot karte hain, then we say application account debit to share capital ya debenture account. So yahan pe starting with the first entry, dates are not given, so we'll put the question mark first. We have received the application from public, the bank account debit to, yahan pe kya hai, debenture, so we'll say debenture application account. This is the first step jahan pe public has applied for the debentures of the company, so to debenture application account. Now how many debentures are the applied by the public? It is 90,000 debentures, and on this 90,000 debentures the public has paid rupees 9 per debenture. So here this would be 90,000. Okay,
गाइस कभी कभी ऐसे होगा कि एप्लीकेशन पे थोड़ा सा कम पैसा आ रहा है एंड नेक्स्ट अमाउंट अलॉटमेंट पे या कॉल पे आ रहा है. इन दिस क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि एप्लीकेशन पे कितना आएगा, अलॉटमेंट पे कितना आएगा या कॉल कितना ड्यू होने वाला है. सो वी ऑलवेज अज्यूम द एंटायर अमाउंट इज रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर वॉज 10, इट इज इश्यूड एट 10% डिस्काउंट. द पब्लिक मस्ट हैव अप्लाइड 9 पर डिबेंचर्स, दिस 90,000 इंटू 9 पर डिबेंचर दैट कम्स टू 8,10,000. सो दिस वुड बी 8,10,000. एंड whenever we write journal we need to write narrations also, so we'll say being 90,000 debentures applied for by public. So this is your first entry jahan pe aapko applications aaya. Now coming to the second, ye jo applications aaya unko pure debentures allot hue hain क्योंकि वो 90,000 में कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था तो उनको पूरा अलॉट हो गया, प्लस बाकी का 10,000 किसने लिया, पी क्यू एंड कंपनी. सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी ट्रांसफरिंग दिस एप्लीकेशन टू द डिबेंचर अकाउंट, मतलब अलॉटमेंट करना है. सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट दैट इज ऊपर का 8,10,000 प्लस पी क्यू को भी लेना है, तो मेसर्स पी क्यू एंड कंपनी अकाउंट डेबिट. अभी देखो इनको कितना लेना था, 10,000 डिबेंचर्स फॉर रुपीज 9 ईच, सो दैट कम्स टू 90,000. एट द टाइम ऑफ इश्यू वी हैव गिवन द डिस्काउंट ऑन इश्यू, सो वो भी हम लोग का डेबिट हो जाएगा. डिस्काउंट ऑन issue of debentures account debit. Now how much is the discount? Discount is given for the entire issue, so entire issue is 1,00,000 debentures and on face value of 10% discount, that is 1 rupees, so that comes to 1,00,000 and this would be allotted. This was the debentures, but guys see the question, kitna percentage debentures tha. तो फर्स्ट लाइन में दिया था इट वॉज 12% डिबेंचर्स, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट. नाउ वी कैन क्रॉस चेक, या तो आप इसका टोटल भी डाल सकते हो या क्रॉस चेक ऐसे भी कर सकते हो. दिस इज 1,00,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. ऑलवेज रिमेंबर द शेयर कैपिटल और द डिबेंचर कैपिटल ऑलवेज कम्स विद द एंटायर फेस वैल्यू. ओके, अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, अगर इश्यू इज एट प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है, बट द डिबेंचर्स और द शेयर कैपिटल ऑलवेज कम विद द फेस वैल्यू. सो दिस इज 1,00,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, दैट कम्स टू 10,00,000. सो वी कैन जस्ट क्रॉस चेक, दिस इज 8,10 प्लस 90 प्लस 1,00,000, दिस इज 10,00,000 प्लस दिस इज 10,00,000, मतलब ये टोटल टैली हो गया. बींग 1,00,000 डिबेंचर्स allotted of rupees 10 each at 10% discount. ओके, ये डिबेंचर्स का हो गया, मतलब एप्लीकेशन का वी हैव रिसीव्ड 8,10,000 एंड नाउ वी नीड टू रिसीव फ्रॉम पी क्यू एंड कंपनी 90,000 कैसे, 10,000 डिबेंचर्स जो उनको लेना पड़ा बिकॉज ऑफ द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट on which they will also pay 9 rupees. So we need to receive from PQ 90,000. But again this received, we need to pay to PQ the commission amount. So commission देखो हम लोग ने ऊपर ही calculate किया which is 9,900. तो ये commission pay भी करना है. So commission का entry आ जाएगा. Commission is your expense. So debit हो जाएगा. Underwriting commission account debit. And it is payable to Messrs. PQ and Company. Commission is 9,900, being commission payable. Please don't forget to write the narrations.
And last would be the settlement entry. Now if you see, we need to receive from PQ 90,000 and we need to pay as a commission 9,900. So net off karo kitna ho raha hai? It is 90,000 receivable minus 9,900 payable. So that comes to 80,100. Jo hum log ko pay, sorry, hum log ko receive karna hai. So bank account debit to Messrs. PQ and company account. This is 90,000 receivable minus 9,900 payable for commission. That comes to 80,100 being net settlement amount received. Net settlement amount is received. Okay, so guys, ये हो गया अपना पूरा required part जहाँ पे हम लोग ने 10,000 का debenture liability calculate किया. Then we also calculate commission as per the law. Again, I'll repeat, अगर companies act पूछा है तो companies act करना, वरना law, because SEBI rates are more lower than the companies act. Always go with the SEBI rate. And third, we need to do the journal. एक बार quick recap देख ले तो journal में कैसे था. First, public ने apply किया तो public का application आया. फिर public के application को आप allot करते हो वो. प्लस जो अंडरराइटर को लेने पड़े तो उनको भी आप डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो. नाउ अंडरराइटर्स डज नॉट अप्लाई विद द पब्लिक, क्योंकि एक बार पब्लिक एप्लीकेशन आएगा तो समझेगा कि अंडरराइटर्स को कितने लेने हैं. सो यहाँ पे आ गया, डिस्काउंट था इसलिए डेबिट हो गया. तो ये अलॉटमेंट हो गया. ये अलॉटमेंट के लिए, ये अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वी नीड टू पे कमीशन, दैट इज कमीशन टू अंडरराइटर्स. एंड नेट सेटलमेंट, इट कैन बी ईदर रिसीवेबल फ्रॉम द अंडरराइटर्स और इट कैन बी पेएबल. ओके, दिस सेकेंड एंट्री यू कैन पास सेपरेटली. आप पहले एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिबेंचर्स कर दो अलग, एंड पी क्यू डिस्काउंट टू डिबेंचर्स अलग कर दोगे तो चलेगा. मतलब पब्लिक का अलॉटमेंट अलग एंड अंडरराइटर्स का अलॉटमेंट अलग अलग करते हो तो भी ठीक है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि दोनों कंबाइन कर दो, एक ही साथ अपना एंट्री हो जाएगा. अगर समझ लो आपको सिर्फ अंडरराइटर्स के रिलेटेड एंट्री करने को पूछा है, शो द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू अंडरराइटर्स, देन फर्स्ट एंट्री नहीं आएगा क्योंकि वे पब्लिक का है. सेकेंड में सिर्फ पी क्यू डिस्काउंट टू डिबेंचर्स आएगा, ओनली फॉर 10,000 डिबेंचर्स, क्योंकि अंडरराइटर्स का सिर्फ 10,000 था. कमीशन का यूजुअल एंट्री क्योंकि वो भी अंडरराइटर्स का ही है, और सेटलमेंट का भी नॉर्मल एंट्री क्योंकि वो अंडरराइटर्स से रिलेटेड है. नाउ ये क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ये समझाना है मुझे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, इफ देर वर मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अज्यूमिंग इन द अबव आपको एप्लीकेशंस कितने आए थे 90,000. तो इफ वी से आउट ऑफ 90,000 एप्लीकेशंस, अगर आपको ऐसे दिया है 40,000 आर मार्क्ड एप्लीकेशंस, सो समझ लो कि अगर ये 40,000 मार्क्ड एप्लीकेशंस है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा. गाइज, आई एम कीपिंग द क्वेश्चन एज इट इज. जैसे 1,00,000 डिबेंचर्स इशू हुए हैं, 90,000 एप्लीकेशन आए, बट नया मैंने क्या ऐड किया, 40,000 आर मार्क्ड एप्लीकेशन. तो अभी देखो लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, ये सिर्फ मैं इसके अंदर वैरायटी कर लूँ. सबसे पहले व्हाट वी डू, ग्रॉस लायबिलिटी. ग्रॉस लायबिलिटी मीन सेम, वो तो उसने 1,00,000 डिबेंचर्स का पूरा किया हुआ है. दिस वी गो विद द नंबर ऑफ डिबेंचर. आई एम नॉट प्रिपेयरिंग द एंटायर फॉर्मेट, दैट यू नो, सिर्फ एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ. लेस नाउ इफ आई से कि अगर मैं पी क्यू एन कंपनी हूँ, आई हैव गिवन द अंडर राइटिंग ऑफ 1,00,000 डिबेंचर्स, और मेरे नाम पे 40,000 डिबेंचर्स ऑलरेडी आ गए, मतलब 40,000 एप्लीकेशन फॉर डिबेंचर्स ऑलरेडी रिसीव, तो मैं पहले वो मेरा लाइबिलिटी उतना से कम हो जाएगा. सो लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, सो मार्क्ड एप्लीकेशन इज 40,000, तो बैलेंस कितना बच गया 60,000, दिस इज द बैलेंस. अगर कंपनी होती तो कंपनी बोलेगी, योर अंडरराइटर्स, यू हैव गिवन द गारंटी ऑफ 1,00,000 डिबेंचर्स, यू हैव रिसीव ओनली 40,000 मार्क, सो यू अप्लाई फॉर 60,000. पर अगर
यहाँ पे 60,000 का एप्लीकेशन आ गया, देन दिस वुड बी द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ऑलरेडी टोटल 90,000 के तो एप्लीकेशन आ चुके हैं, और प्लस आप अंडरराइटर्स को बोल रहे हो और 50,000 और 60,000 ले लो, सो दैट वुड अमाउंट टू 1,50,000 के एप्लीकेशन. मतलब ये अंडरराइटिंग के वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, विच वी डोंट वॉन्ट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके आपका मार्क्ड हो गया, अभी जो अनमार्क्ड है उससे भी आपका लायबिलिटी कम कर दो. सो लेस अनमार्क्ड, दो दैट डज नॉट बेयर द नेम ऑफ द अंडरराइटर्स, बट सिंस द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, वी गिव द क्रेडिट फॉर दैट अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू द अंडरराइटर्स ऑल्सो. अनमार्क कितने हो जाएंगे गाइस, 90 में से 40 मार्क, तो 50 इज अनमार्क्ड, तो बैलेंस कितना बच गया, 10,000. Now we will say, underwriters, you please subscribe for 10,000 debentures. So net liability comes to 10,000. Now if you see this, यहाँ पे देखो, अगर मैंने 90,000 के application में marked and unmarked का data दिया है, या सिर्फ mark का दिया है तो balance would be unmarked, तो भी 10,000 आता है. In the sum which we did, जहाँ पे आपको marked या unmarked के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो भी आपका liability कितना आया, 10,000. सो यहाँ पे सिर्फ इतना समझाने की ट्राई कर रही हूँ मैं आपको, इफ़ इट इज़ कम्प्लीट अंडर राइटिंग, कम्प्लीट मतलब 100% गारंटी दिया हुआ है जितना भी आप पब्लिक इशू कर रहे हो, एंड इफ देर इज ओनली वन अंडर राइटर, सो जो भी गारंटी है वो सब अंडर राइटर का ही हो गया. मतलब इवन इफ यू आर कमिंग विथ 50,000 डिबेंचर्स और 50 लाख डिबेंचर्स, वो पूरा अंडर राइटर का लाइबिलिटी हो गया. सो अभी वो जो लाइबिलिटी है उसमें जो भी एप्लीकेशन आए उसके इशू के सामने, उसमें चाहे मार्क्ड हो या अनमार्क्ड हो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि दोनों अंडरराइटर का ही लायबिलिटी कम करने वाला है. मार्क तो ऑब्वियसली करेगा क्योंकि वो दैट बेयर्स द नेम ऑफ द और द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर्स, एंड जो अनमार्क्ड है वो भी, क्योंकि एप्लीकेशंस आ गए तो उतने डिबेंचर्स या शेयर्स हम लोग अंडरराइटर को बोलेंगे नहीं आप सब्सक्राइब करो, तो वो भी अंडरराइटर्स का लायबिलिटी कम कर देगा. सो इन शॉर्ट, इन केस ऑफ सोल एंड कंप्लीट अंडरराइटिंग, that does not make any difference between the marked and unmarked application. We need not bifurcate, or I would say we need not require that data. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर marked और unmarked अलग अलग दिया है या एक साथ दिया है. बट कभी जब भी complete underwriting हो and sole underwriter हो, अगर joint underwriting है तो फ़र्क पड़ता है, अगर partial underwriting है तो definitely फ़र्क पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे. Now you can just copy this sum. Okay guys, next we'll do the second question. So go to the second question.
Coming to the question number 2, guys. Joy Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at par, so there is no premium, no discount. AN company agreed to underwrite 80% of the whole issue. Determine the net liability of AN company in each of the following cases. Now, they have given you 3 cases, so 3 different situations, and you have to find out the net liability in all the 3 situations. First, application received for 11,000 equity shares. Second, application received for 7,000 shares, out of which application for 5,000 shares were marked, and application received for 7,000 shares. Okay, now if you see this question, again, issuer had 10,000 equity shares, of which there is only one underwriter. So there is a case of sole underwriting, AK underwriter, which is AN company. But in this case, AN company underwrites only 80% of the issue. So this is the case of sole and partial underwriting. लास्ट समझ हम लोग ने किया वो सोल एंड कंप्लीट था, एक ही पर्सन पूरा अंडरराइट कर रहा है. यहाँ पे सोल एंड पार्शियल है, जहाँ पे एक ही पर्सन सिर्फ 80% अंडरराइट कर रहा है. सो नाउ व्हेन द वन अंडरराइटर अंडरराइट्स ओनली पार्ट ऑफ द इश्यू फॉर द बैलेंस, वी ऑलवेज अज्यूम कंपनी एज अ सेल्फ अंडरराइटर. सेल्फ अंडरराइटर मतलब बाकी एप्लीकेशन आने की जवाबदारी कंपनी की हो जाती है, क्योंकि अंडरराइटर ने 80% अंडरराइट किया है, तो बाकी 20% रिस्क is with the company. Company need to also try that they get the subscription from the public. So for the accounting, for the calculation, we assume company as an underwriter for the balance of the issue which is not underwritten by the underwriters. Okay, so starting with the all the situation, going with the first situation, this is my question number 2. First year, application received for 11,000 equity shares. Applications received for 11,000 equity shares. Now this is the first scenario. Guys, देखो issue कितना हो रहा है, 10,000 equity shares. So यहाँ पे सिर्फ details के लिए लिख रही हूँ, issue is of 10,000 equity shares. And they have given you, for this 10,000 issue, you have received the application for 11,000 equity shares. Guys, इसमें कैसे हो गया? इसमें हो गया आपका over subscription. हम लोग सिर्फ 10,000 shares का application मांग रहे थे as a company, but public has subscribed for 11,000 equity shares. Now in this case, underwriter's liability would be nil. क्यों company underwriter को share subscribe करने की बोलेंगे? क्योंकि already 10,000 shares के सामने 11,000 applications आ गए. Company anyways needs to refund the excess 1,000 equity shares की application. तो यहाँ पे क्योंकि refund की बात हो रही है, over subscription की बात हो रही है, तो underwriters liability would be nil. यहाँ पे underwriters को, अभी देखो, अगर even if I say out of this 11,000 equity shares marked applications are only 3,000 and underwriters liability would be 10,000 के सामने 80%, that would be 8,000. So अगर 8,000 की gross liability के सामने मांग सिर्फ 3,000 भी आता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, because this is again the case of over subscription, no? So it does not make any difference whether you get the marked applications or unmarked application. हाँ, for the rest of the 2 situations जहाँ पे applications आए और उसमें से कुछ marked है, कुछ unmarked है, तो उसमें कैसे होगा, that we'll see. But here, since this is a case of over subscription, the underwriter's liability would be nil. So यहाँ पे आपको कुछ calculation करके नहीं दिखाना है, but you need to write the answer. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, since this is the case of over subscription, underwriters are not required to take any share, therefore underwriters liability would be nil.
underwriter's liability would be nil. यहाँ पे underwriters को कोई भी shares subscribe करने की ज़रूरत नहीं है. Even if the marked applications are less than the gross liability, then too underwriters will not be required to any share because company has received over subscription. मतलब उनको जितने shares का application चाहिए था उनको उतना मिल गया है. So underwriters risk is here? No, there is no risk for the underwriter. They are not required to take any of the shares. Situation 2 क्या बोल रहा है? Application received for 7,000 shares, out of which application for 5,000 shares were marked. So I would say applications received for 7,000 shares, out of which 5,000 are marked. So 7,000 में से 5,000 marked है. Now in this case हम लोग को calculate करना पड़ेगा कि कितना underwriters का liability आ रहा है. So again we'll prepare the same statement showing underwriters liability. We always prepare statement in form of numbers. So यहाँ पे this is my number of, they have said this is equity shares का issue. So number of equity shares. While preparing the format, first we'll prepare particulars का column, second we prepare basis का column क्योंकि एक underwriter है, and for the part of the issue which is not underwritten, we treat company itself as an underwriter. So second column बनेगा company के लिए, and third we always prepare total का column. लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग ने टोटल नहीं बनाया क्योंकि एक ही पर्सन था तो उसका ही कॉलम टोटल हो जाएगा. सो प्रिपेयरिंग द फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम आपका बन जाएगा पर्टिकुलर्स, देन यू नीड बेसिस. बेसिस के लिए छोटा कॉलम बनाओगे तो चलेगा. फिर एक अंडरराइटर है, एक कंपनी है, एंड नेक्स्ट इज टोटल. सो दिस इज पर्टिकुलर्स, बेसिस, अंडरराइटर का नाम क्या था, इट इज ए एन कंपनी, कंपनी इज योर जय लिमिटेड, दैट इज योर कंपनी, एंड दिस इज योर टोटल. सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट फॉर्मेट में फर्स्ट ग्रॉस लायबिलिटी. सो फर्स्ट आ जाएगा आपका ग्रॉस लायबिलिटी, ओके. नाउ द कंपनी हैज इशू हाउ मच, हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज 10,000. सो टोटल इज 10,000, ऑफ विच ए एन कंपनी हैज अंडर रिटर्न 80%. सो दिस वुड बी 8,000. And for the balance which is not underwritten, this would be 2,000, the liability of Jai Limited. So total 10,000 ho gaya, the ratio would be 8:2, or you can say 4:1. This would be your ratio. Guys, even if you write 8:2 is okay, aapke paas calci, aap direct calci bhi kar sakte ho. To zaruri nahi hai ki aap hamesha ratio ko lowest us pe leke aao, it is okay. Less, sabse pehle hum log kya reduce karte hain, marked. So less marked applications, in this case marked applications are 5,000. So we take AN company ka mark. Guys, Jai Limited is a company, to company ke naam pe marked kuch nahi hoga. So if you deduct 8,000 mein se 5,000, okay, your total would be also 5,000. Company ke naam pe koi mark nahi hoga kyunki issue hi company ka hai, to company ke naam pe company ke stamps to honge nahi. So this would be 3,000. अगर आप बेसिस में लिखना चाहो तो एक्चुअल, वी ऑलवेज राइट मार्क्ड एप्लीकेशन, जो जिसका एक्चुअल होता है वही हम लोग डिडक्ट करते हैं. हियर दिस वुड बी 2,000 एंड बैलेंस इज 5,000. इतना हो गया मार्क्ड. देन वी डिडक्ट लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. गाइस, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल दैट यू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट फॉर द अनमार्क्ड एप्लीकेशन. सो यहाँ पे हम लोग एक वर्किंग नोट बना देते हैं फॉर द अनमार्क्ड एप्लीकेशन.
टोटल एप्लीकेशन कितना मिला है? इट इज 7,000 लेस. मार्क्ड कितना है? 5,000. सो बैलेंस वुड बी योर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, दैट वुड बी 2,000. सो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गया गाइस 2,000. अब ये 2,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? कहाँ से माइनस करूँ मैं, ए एन कंपनी अंडरराइटर से या कंपनी से? जनरली कैसे होता है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन वी ऑलवेज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ GL, बट दैट इज इन द रेशियो ऑफ GL ऑफ द अंडरराइटर्स, जो जॉइंट अंडरराइटर्स है वो. नाउ जब ये 5,000 के मार्क्ड एप्लीकेशन आए थे तो उसका पूरा क्रेडिट ए एन कंपनी ने ले लिया, बिकॉज वो अंडरराइटर बोलेगा यार ये एप्लीकेशन पे मेरे स्टैम्प है, मेरे एप्लीकेशन आए, सो दैट शुड रिड्यूस माई लाइबिलिटी. तो नाउ कंपनी विल ऑल्सो से ना कि जो अनमार्क्ड है, क्योंकि उस पर किसी के स्टैम्प नहीं है, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल रिड्यूस फर्स्ट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. सो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे. अगर एक्सेस आता है, जैसे पहले देखो ये कर लो, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का पहले हम लोग क्रेडिट किसको देंगे? कंपनी को, क्योंकि जो मार्क था उसका अगर आप अंडरराइटर को दे रहे हो तो जो अनमार्क्ड, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है द एप्लीकेशन विच आर डायरेक्टली रिसीव बाय द कंपनी, जिसपे कोई अंडरराइटर्स के थ्रू नहीं आ रहा है ना, जिसपे कोई अंडरराइटर्स के स्टैम्प है. तो जो डायरेक्टली कंपनी को मिस रिसीव हो रहा है तो वो कंपनी का लाइबिलिटी कम होगा. गाइस कंपनी का लाइबिलिटी कम होगा मतलब एक्चुअली ये पूरा लाइबिलिटी कंपनी के लिए ही है, क्योंकि कंपनी को ये 10,000 इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशन चाहिए. बट क्योंकि अंडरराइटर ने सिर्फ पार्ट ऑफ द इश्यू अंडरराइट किया था, तो वी अज्यूम कंपनी एज द बैलेंस ऑफ द अंडरराइटर, और उसके लिए अंडरराइटर का लाइबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा जीरो. एंड क्योंकि अनमार्क में अंडरराइटर को कोई क्रेडिट नहीं मिला, सो अंडरराइटर्स लाइबिलिटी वुड बी 3,000 एंड द टोटल इज 3,000. दिस विल बिकम नेट लाइबिलिटी. सो नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर इज टोटल 3,000. अभी आप ये 3,000 को भी चेक कर सकते हो. गाइस कैसे चेक कर सकते हो? ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यू हैव टोटली इशूड 10,000, ऑफ विच यू हैव रिसीव एप्लीकेशन फॉर 7,000. सो द अंडरराइटर इज रिक्वायर्ड टू टेक 3,000. ये समझ में आया? सो गाइस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट में आप एक बार चेक कर सकते हो कि जितना मैंने टोटल इशू किया माइनस टोटल एप्लीकेशन विल गिव द नंबर ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स टू बी टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स और मे बी द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. अभी देखो इसमें कैसे होता था, अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशन वुड हैव बीन, फॉर एग्जांपल, वुड हैव बीन 3,000, सो 2,000 माइनस 3,000 दिस वुड हैव बीन नेगेटिव 1,000. तो वो नेगेटिव, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 1,000 है, उसका क्रेडिट अंडरराइटर को मिलता तो वो एक्सेस क्रेडिट से अंडरराइटर का लाइबिलिटी कम हो जाता था. बट इट इज ऑलवेज डन लाइक जो मार्क्ड है वो अंडरराइटर से माइनस करो, बट जो अनमार्क्ड है उसका सबसे पहले क्रेडिट मिलेगा कंपनी को, बिकॉज फॉर द पार्ट ऑफ द इश्यू इफ यू ट्रीट कंपनी एज एन अंडरराइटर, तो द एप्लीकेशन विच आर रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक द क्रेडिट फॉर दैट विल बी गिवन टू फर्स्ट द कंपनी. इफ सरप्लस एनी अराइजेस then that credit would be given to the underwriters. ये समझ में आया guys? So you don't say कि हम लोगों को जितने भी applications आए पहले सीधा underwriters से minus कर दो, ऐसा नहीं होता. जितने applications आए उसमें mark देख लो, unmark देख लो. अगर over subscription है तो वो हम लोग ने पहले केस में देखा, कोई टेंशन नहीं है. अगर under subscription है, क्योंकि 10,000 के सामने सिर्फ 7,000 applications आए, तो आपको देखना पड़ेगा कितना marked है, कितना unmarked है, unmarked company में से minus किया, balance net liability. ये हो गया आपका सेकेंड सिचुएशन. कमिंग टू द थर्ड सिचुएशन, अभी देखो थर्ड में क्या बोला था. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 7,000 शेयर्स, सो दिस इज योर सिचुएशन नंबर थ्री, जहाँ पे आपको सिर्फ इतना बोला है दैट यू हैव रिसीव एप्लीकेशन फॉर 7,000 शेयर्स. अभी देखो इसमें कैसे होगा गाइस, 7,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मिला, आपको ये बताया कि मार्क कितना है? नहीं बताया,
सो इफ आई प्रिपेयर द स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट में मेरे पास मार्क्ड होता तो अंडरराइटर से माइनस करती, अनमार्क्ड होता तो कंपनी से माइनस करती, बट क्योंकि मार्क और अनमार्क के बारे में कुछ नहीं दिया है तो विल अज्यूम कि जितने टोटल एप्लीकेशन आए उसका मार्क वुड बी इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग विच इज डन बाय द अंडरराइटर. मतलब आपका मार्क्ड एप्लीकेशन वुड बी, यहाँ पे मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मार्क्ड एप्लीकेशंस वुड बी इक्वल टू टोटल एप्लीकेशंस इनटू परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग. अंडरराइटर कैन नॉट से आउट ऑफ 10,000 यू हैव रिसीव 7,000, मेरा लाइबिलिटी सिर्फ 8,000 का था, सो आई टेक ओनली 1,000 ऑफ शेयर्स. गाइस ये बहुत बहुत बार ऐसे हो जाता है कि समझो 10,000 के इशू हुए हैं, अंडरराइटर ने 8,000 का दिया है, बैलेंस के लिए वी अज्यूम कंपनी एज 2,000, नाउ यू हैव रिसीव 7,000 के एप्लीकेशंस. तो अंडरराइटर ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरा 7,000 मेरे में से माइनस कर दो, बचा 1,000 तो आई विल टेक ओनली 1,000. ऐसा नहीं चलता. इवन इफ यहाँ पे आप देखोगे 7,000 के एप्लीकेशन आए थे फिर भी अंडरराइटर वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू टेक 3,000 शेयर्स. क्यों? क्योंकि उसके नाम पे मार्क कम आए थे, सो बाकी जो डायरेक्ट आया वो हम लोग कंपनी के नाम से माइनस करते हैं. यर इफ देर इज नो डिस्क्रिप्शन फॉर मार्क देन टू यू कैन नॉट से कि डायरेक्टली 7,000 सिर्फ मेरा लाइबिलिटी कम कर दो और बाकी कंपनी देख लेगा. क्यों? कंपनी क्यों देखेगा? अगर आपने अंडरराइट किया है तो इक्वल प्रोपोर्शनेट जाएगा ना, जितना आपने अंडरराइट किया उतना ही आपको मिलेगा. सो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, टोटल एप्लीकेशंस आर 7,000 एंड परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग इज 80%, सो योर मार्क्ड एप्लीकेशन वी अज्यूम एज 5,600. अगर आप टोटल लाइबिलिटी का भी सिर्फ 80% गारंटी दे रहे हो या अंडरराइट कर रहे हो तो टोटल एप्लीकेशन का भी सिर्फ 80% इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन वी अज्यूम्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशन. सो गाइज वी सी ऑल द सिनेरियो जहाँ पे अगर मार्क दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर मार्क का डिटेल्स नहीं दिया है एंड इफ इट इज़ अ पार्शल अंडरराइटिंग तो दिस वुड बी अनफेयर फॉर द कंपनी. ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो कंपनी के लिए अनफेयर हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई एप्लीकेशन का भी उतना प्रपोर्शनेट मार्क अज्यूम कर लो. सो इतना आप लोग का मार्क हो गया. नाउ विल प्रिपेयर द सेम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी. ओके इसके पहले हम लोग ये कर सकते हैं, पहले अनमार्क यहाँ पे निकाल के रख दो सो हम लोग को वापस वर्किंग नोट ना बनाना पड़े. सो नाउ आई कैन से अनमार्क्ड एप्लीकेशंस वुड बी 7,000 माइनस 5,600, सो दिस वुड बी 1,400. दिस वुड बी अनमार्क्ड एप्लीकेशन. नाउ यू प्रिपेयर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट showing liability of underwriters या showing underwriters liability. This will again prepared in number of equity shares. Guys, please don't forget to write this. Otherwise, it creates a confusion whether the statement in form of rupees or whether the statement is in form of numbers. Same format like the previous situation. Particulars, basis, underwriter is AN company. For the balance, we treat company as an underwriter, and this is total. So starting first with gross liability. Gross liability is again the same. Sirf situation change hua hai, mark dan mark wagera. So gross liability is same. It is 8,000. 2,000 total 10,000 ka 80% is underwritten. Baki ka is not underwritten. So this ratio is 4:1. Less marked applications.
मार्क तो जो एक्चुअल होता है वो माइनस करते हैं. सो गाइज यहाँ पे हम लोग ने मार्क कितना निकाला प्रोपोर्शनेट बेस के आफ्टर टोटल एप्लीकेशन इफ टोटल इशू 80% इज अंडर रिटर्न तो टोटल एप्लीकेशन का भी 80% इज मार्क. सो दैट कम्स टू 5600. कंपनी में तो कुछ नहीं आएगा. दिस वुड बी 5600. सो दिस वुड बी 2400 एंड दिस इज 2000 एंड दिस इज 4400. दैट इज योर बैलेंस. फिर उसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं. यस लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. अनमार्क पहले किसका लायबिलिटी कम करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली कंपनी को मिला है तो कंपनी से माइनस होगा. दैट बिकम्स 1400. सो यहाँ से माइनस हो जाएगा 1400. सो नाउ द बैलेंस इज 2400. दिस इज 600 एंड टोटल 3000. दिस बिकम्स द नेट लायबिलिटी. गाइस ये समझ में आया. सो यहाँ पे देखो आपका नेट लायबिलिटी चेंज हो गया. इन द प्रीवियस सिचुएशन नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर वाज 3000 एंड फॉर द कंपनी इट वाज जीरो बिकॉज दे हैव गिवन यू द मार्क्ड एप्लीकेशंस आर 5000. तो क्लियर डिटेल्स दिया था. इन द गिवन सिचुएशन आफ्टर 7000 शेयर्स दे हैव नॉट गिवन यू हाउ मच इज द मार्क्ड एप्लीकेशंस. सो हम लोग ने प्रोपोर्शनल निकाल दिया. बैलेंस इज योर अनमार्क. अगर यहाँ पे आप लायबिलिटी देखते हो तो दैट कम्स टू अंडरराइटर का 2400 एंड 600 कंपनी का. अभी जब हम लोग बोलते हैं 600 इज फॉर द कंपनी, कंपनी इज नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब फॉर इट्स ओन शेयर्स. वो हम लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि बाकी 600 शेयर्स विल नॉट बी टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स. वो कंपनी का लुकआउट है. मतलब उतने शेयर्स अंडरराइटर्स आप सब्सक्राइब नहीं करने वाले. ओके अंडरराइटर्स विल सब्सक्राइब फॉर 2400 शेयर्स. 600 शेयर्स वुड बी रिमेन unsubscribe or the company can find the subscriber to subscribe this balance of the shares. ये समझ में आया. तो ये हो गया आपका liability. Now, don't always calculate the commission or the journal entries. आपको question में ऐसा कुछ नहीं पूछा था. They have clearly asked you determine the net liability of AN company. तो सिर्फ आपको वो AN company का liability निकालना है जो तीनों situation में हम लोग ने निकाल दिया. Commission and journal entry, if they ask, then only you pass the journal entries and everything. अदरवाइज यू डोंट कैलकुलेट. तो ये हो गया आपका तीनों तीन सिचुएशन. यू कैन जस्ट कॉपी दिस डाउट. सो गाइज ये कॉपी किया. अब इसके लिए वी कैन जस्ट राइट अ समरी थोड़ा सा जो आपने अनमार्क का किया ना. तो वी कैन से इस बेनिफिट ऑफ एक आप के रेफरेंस के लिए आप नोट लिख सकते हो. बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट आप पहले किसको देते हो. कंपनी को. तो वी कैन से इस फर्स्ट गिवन टू द कंपनी. गाइज व्हेन वी से बेनिफिट मतलब उसका उतना लायबिलिटी कम हो जाता है. सो इट इज फर्स्ट गिवन टू द कंपनी एंड देन इफ एनी
surplus, unmarked, application remains, benefit is given to underwriters. And if there are more than one underwriters, we can say in GL ratio. So ye samjha, benefit of unmarked application is first given to the company, pehle company ka liability kam hoga, and then if any surplus, ye samme surplus nahi tha, par agar surplus hota, that would be given to the underwriters. And agar do teen underwriters hai, to sabke beech mein share hota in the form of GL ratio. Guys, if any other situation is given in the question, like if the surplus unmarked is to be given to only one person and not to the other underwriter, aisa clearly specify kiya, always go with the question. So question ke saath hi rehna, question se contradict nahi karne ka, jo question hai bola wahi karne ka. But if question does not specify anything, you follow this. Okay, so now this is done.